क्लास स्टार्ट करते हैं। विल बी सेकेंड लेक्चर फॉर माइक्रोवेव। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था माइक्रोवेव होता क्या है। अब इसको हमको रिव्यू करना होगा डिटेल में समझने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को। तो टुडेज क्लास विल बी ऑन रिव्यू ऑफ रिव्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर इसी में से हम लोग प्रॉपर्टीज निकालेंगे माइक्रोवेव की। नाउ इट वॉज डिस्क्राइब बाय मैक्सवेल प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी हैं बस बाय मैक्सवेल। पूरा नाम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। काफी टाइम तक मैं भी कंफ्यूज रहा हूँ, मुझे भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है ये क्या बोलते हैं। क्लार्क की स्पेलिंग कहीं कहीं सी एल ई आर के लिखी है, कहीं कहीं सी एल ए आर के लिखी है। मैं क्लार कैसे लिखता हूँ माइंड मत करिएगा, हो सकता है गलत हो या हो सकता है कहीं और अपने बुक में सी एल ई आर के भी पढ़ा हो। इन्होंने ढूंढा था 1879 के आसपास की बात है, 1879 में डेथ हुआ था मैक्सवेल का। एंड इट्स स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है, वैक्यूम बोले या फ्री स्पेस बोले की बात है। फिर थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों कॉन्सेप्ट में, लेकिन आप फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर तीनों को सेम मान सकते हैं, लगभग लगभग सेम। वैक्यूम और फ्री स्पेस को एग्जैक्ट सेम मान सकते हैं, एयर में थोड़ा सा स्पीड या प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। एंड इट इज स्पीड इन वैक्यूम इज गिवन बाय या फ्री स्पेस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 1/ अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये लगभग लगभग आता है 3 × 2.9999 समथिंग ऐसा आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4π × 10⁻¹। एंड एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 8.854 × 10⁻¹² फराड पर मीटर। म्यू नॉट के जो यूनिट होती है इट इज हेनरी पर मीटर। आगे चले। नाउ ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है क्या, इसको आप बोल सकते हैं दीज वैल्यूज आर simply distributed values of L and C. The C is parallel plate capacitor, epsilon naught A by D होता है, area of plate D, and L कितना होता है n square mu a by l, बाकी सब कॉन्स्टेंट। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ही की वैल्यू
चेंज होती है. तो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू ऑफ एल एंड सी भी इसको बोला जाता है. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू ऑफ सी इज एप्सिलॉन नॉट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू ऑफ एल इज म्यू नॉट इन फ्री स्पेस. ऑल्सो अगर हम फ्री स्पेस की बात ना करें, अदर मीडियम की बात करें, फॉर अदर मीडियम म्यू नॉट से वो कितना हो जाएगा म्यू, एंड एप्सिलॉन नॉट से कितना हो जाएगा एप्सिलॉन. वेयर मैं टर्म्स पहले डिफाइन कर देता हूँ. जैसे आप यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट या एप्सिलॉन और म्यू, इनको डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस भी कहा जाता है स्पेस का. वैसे ही नए नए टर्म्स आपके सामने आते जाएंगे. दिस म्यू नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट इन टू म्यू आर एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इन टू एप्सिलॉन आर. दिस इज म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी. एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ज्यादातर मीडियम हमारे पास कैसे होते हैं, डेंसर मीडियम होते हैं ना, वैक्यूम जैसा रेयर मीडियम में होता है. म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है. ठीक, देयरफॉर फॉर अदर मीडियम. अच्छा, ये स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, इसको सी से दिखाइए. वी से नहीं, इसको सी कर लीजिए. फ्री स्पेस में हमेशा सी से ही दिखाएंगे, अदर मीडियम में वेलोसिटी वी से दिखा सकते. फॉर अदर मीडियम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वी विल बी इक्वल टू 1/√ म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. लिख सकते हैं, अगर रिलेटिव स्पीड निकाला जाए of electromagnetic waves in media, represent करेंगे इसको VR. VR की value V upon C. देखिए क्या आता है, it is 1/√ mu naught mu R epsilon naught epsilon R for 1/√ mu naught epsilon naught. ये कैंसिल हो जाएगा, mu naught epsilon naught mu naught epsilon naught. बचेगा क्या, दिस स्पीड v कैन बी रिटन एज c/√ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर. या अपॉन में करके आप रिलेटिव स्पीड भी निकाल सकते हैं. नाउ सिंस मोस्ट ऑफ द मीडियम फॉर वेव प्रोपगेशन
आर नॉन मैग्नेटिक। ज्यादातर मीडियम जो हमारे पास वेव प्रोपगेशन की, जैसे एयर है, एयर का नेचर कैसा होता है? डायमैटिक, पैरामैटिक, फेरोमैटिक, तो बताएगा। पैरा है क्या सर? हाँ, लगभग पैरामैटिक होता है, लेकिन बहुत कम पैरामैटिक बिहेवियर ही मिलता है। इसको ऑलमोस्ट नॉन मैग्नेटिक मान सकते हैं। जहां जहां भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं, वहां पे जो मैग्नेटिक मटेरियल, जो मटेरियल या मीडियम है, वो लगभग नॉन मैग्नेटिक होते हैं। नॉन मैग्नेटिक का मतलब म्यू आर का वैल्यू कितना होगा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रिलेटिव परमिटिविटी, परमिबिलिटी कितनी होती है? अरे यार, जीरो तक है तो मोर देन वन। वन। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैटिक मटेरियल, म्यू आर इज ऑलमोस्ट वन। ना तो अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ना तो रिपेल करते हैं। इसीलिए म्यू आर की वैल्यू वन पुट कर दीजिए। हम ज्यादातर मीडियम को नॉन मैग्नेटिक मानेंगे, ठीक। इवन जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर्स, वो मेटल्स होते हैं, वो भी लगभग लगभग नॉन मैग्नेटिक होते हैं। थोड़ा बहुत नेचर पैरामैटिक डायमैटिक शो होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो नॉन मैग्नेटिक ही रहता है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अदर मीडियम विल बी गिवन बाय सी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। This will be velocity of wave. Obviously, electromagnetic wave in other medium. यहाँ पे एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। किसी मीडियम में वेलोसिटी निकालनी होगी तो इट विल बी सी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका बार बार यूज होगा। ठीक, नाउ अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज वेव्स की क्या होती है? जैसे फ्रीक्वेंसी निकालना हो, इट विल बी वन अपॉन टाइम पीरियड। वेवलेंथ निकालना हो, इट विल बी स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी या टाइम डा विल बी इक्वल टू सी इनटू टाइम पीरियड। ये टी और सी और एफ, इसको बार बार एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं ना है ना। फॉर अदर मीडियम लैम्डा विल बी इक्वल टू सी की जगह क्या आ जाएगा? सी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। लैम्डा विल बी इक्वल टू सी अपॉन एफ अंडर रूट एप्सिलॉन आर। तो किसी मीडियम में वेवलेंथ निकालना हो तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाले। ये फॉर्मूले सब वही बेसिक ही हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम तरह तरह की वेव्स को डिफाइन करना है हमको, ठीक। ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है, कौन से टाइप की वेव होती है? ये ईएमटी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में प्रूफ हो चुका है, बताया गया था आपको। कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। क्या डिफरेंस होता है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में?
अरे 12 स्टूडेंट्स, कोई नहीं बता रहा है। ट्रांसवर्स में सर आपका जो है परपेंडिकुलर में ये करेगा क्या, आपका सिग्नल जो वाइब्रेट करेगा क्या? हाँ, वाइब्रेशन या वेरिएशन जो है वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होता है। अगर हम ये मान रहे हैं कि वेव की वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक, तो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड किसी का भी वेरिएशन लें, रेफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लिया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किसी भी कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कैलकुलेशन किया जाता है ना, डायरेक्शन और पोलराइजेशन या कुछ भी निकालने के लिए, तो रेफरेंस इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ही रेफरेंस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड या निकाला जाता है। ठीक, रेफरेंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिखाएं, इट इज लाइक दिस। अब ये एक्सिस क्यों नहीं बनाया मैंने, क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। थ्री डायमेंशनल फिगर मतलब जैसे आपको ये पेन दिखाई दे रहा है ना, मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, ये पेन है ना, पेन एरो की तरह है, इधर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इधर की तरफ जी, ठीक, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ऐसे भी हो सकता है, ठीक, ऐसे भी हो सकता है, बीच में ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे हो सकता है। इस डायरेक्शन या इस लाइन के परपेंडिकुलर कितने प्लेन बनेंगे, एक प्लेन, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन, पांचवा, बहुत सारे प्लेन बन सकते, इनफिनिट बन सकता है ना। जी सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेरिएशन इनफाइनाइट डायरेक्शंस में हो सकता है। अगर आप एक्सिस प्लॉट करें तो इनफाइनाइट एक्सिस हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के लिए। इन ऑल केस द वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, क्लियर। और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी होंगी, वो उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अब इसी में से बाकी सारे कंपोनेंट्स को हटा दें, केवल एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को वाइब्रेट होने दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड वेव। केवल एक प्लेन में पोलराइज्ड है वो, बाकी सारे प्लेन्स वहां से हटा दिए गए। क्या आप समझ पा रहे हैं 3D में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? जी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, ठीक, मतलब वेरिएशन इन ई एंड एच आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू वेलोसिटी। E और H जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा दोनों का वेरिएशन। ठीक, नाउ इन सच केस आल्सो there are infinite possibilities for directions of E and H. ठीक, अब इसको अगर आप उसमें भी दिखाना चाहते हैं फेस के फॉर्म में, तो 0 pi/2 पाई, 3π/2 2π,
टाइम पीरियड के फॉर्म में निकालना चाहते हैं तो जीरो, दिस इज टी बाई टू, सॉरी टी बाई फोर, टी बाई टू यहाँ पे कितना आएगा टी। अब वेवलेंथ के फॉर्म में दिखाना जीरो लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई टू यहाँ पे लैम्डा बाई एंड दिस इज लैम्डा। ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं एक लाइन लिख देता हूँ क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट। Knowledge of plane wave propagation is essential to study the propagation of microwaves. क्लियर? प्लेन वेव का प्रोपोगेशन स्टडी करना जरूरी है अगर आप प्रोपोगेशन माइक्रोवेव पढ़ना चाहते हैं तो। लास्ट टॉपिक या लास्ट क्लास आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की याद होगी, वहां पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन डिफाइन किया था इन लॉसलेस मीडियम। लॉसलेस मीडियम वाला है, चीजों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं लेकिन उतना सब आता नहीं है एग्जाम्स में, तो हमने केवल लॉसलेस किया था। कैसे प्रोपोगेट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? प्रोसीजर याद है किसी को? होता क्या है कि शुरुआत होती कहीं एक से, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना स्टार्ट करें या इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करना स्टार्ट करें। हमने जब टाइम वेरिंग फील्ड पढ़ाया था तो ये बताया था कि अगर टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अच्छा, बचपन में वो क्वेश्चन सुना है आपने, कहानी दुनिया में मुर्गा पहले आया कि अंडा पहले आया? पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा आया? चिकन और एग, जोक सुने होंगे ना? थोड़ा सा रिप्लाई करिए ना, सब्जेक्ट अब डिफिकल्ट है। हाँ, थोड़ा अगर आप सुने, मजाक मजाक में सुना होगा ना, पहले मुर्गा आया कि पहले अंडा आया, इस तरह से क्वेश्चन पूछते थे बचपन में। मुर्गी होगा ना सर, ये ऑप्शन सी, सी ऑप्शन आपने निकाला है। व्हाई नॉट मुर्गा? मुर्गे ने क्या गलती की है? बात वहां पे, अब वही एक क्वेश्चन इधर भी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम वेरिंग फील्ड्स, वहीं से आप हमारा उसका एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन या उसका टर्मिनोलॉजी स्टार्ट होती है। टाइम वेरिंग फील्ड्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, अगर वहां पर कहीं पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अब कोई पूछे कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी किया या टाइम पहले मैग्नेटिक फील्ड वेरी किया, तो इसका कोई आंसर नहीं है। आप आपके ऊपर है, आप जिस चीज को रेफरेंस मान के स्टार्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक, एग्जैक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक तो वो तो हम लोग ऑलरेडी भी देख नहीं पाते। क्लियर? तो रेफरेंस के लिए हम लोग मानते हैं कि वी हैव स्टार्टिंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरी करती है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, फिर उसके वेरी करने से फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रिएट करते रहते हैं एंड इस फॉर्मेट में एनर्जी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट होता जाता है। ठीक, जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, वेरी हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, वेरी हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, वेरी हुआ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, वेरी हुआ, और इसी तरह से एनर्जी इस पॉइंट से इधर की तरफ प्रोपोगेट करते हुए चली जा रही थी। ठीक, अब हम उससे कुछ
पूछ सकते थे क्वेश्चन कि व्हाई वी हैव स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई नॉट विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका कोई आंसर नहीं दिया सकता है क्योंकि आप एग्जिस्टेंस किसका पहले है वो आप नहीं निकाल पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। दोनों चीज़ें एक साथ ही हमेशा शो होती हैं, कभी अलग अलग शो होती नहीं है, इसलिए पहले और बाद में वाला यहाँ पे पॉइंट नहीं है। रेफरेंस के लिए हम मान के चलते हैं कि इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक। तो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produces a magnetic field and changing magnetic field induces likhe ya produces likhe changing electric field in surrounding region. तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये वेरिएशन स्टार्ट होता है, जब कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जहां से भी जनरेट होती है दे ट्रेवल इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, जितने डायरेक्शन में उसको दिखेंगे वो सब तरफ वेरी मूव करना शुरू करता है। प्लस में द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे दिखाएं, इन टर्न प्रोड्यूसेस फर्दर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको आगे भी बढ़ा देते हैं, फील्ड इन स्टिल मोर डिस्टेंट फील्ड द साइकिल रिपीट्स, साइकिल रिपीट होता जाता है, ठीक। इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इसके लिए फिगर डॉटेड लाइन से हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहे हैं, कंटिन्यूअस लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर डॉटेड लाइन से मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये जो डॉटेड वाली लाइन है वो H है, कंटिन्यूअस लाइन है जो वो E है, ठीक। अब ये इसी तरह से आगे बढ़ता जाता, क्लियर है। अब इसी बेस पे ओरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ ई एंड एच, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का कई तरह से हो सकता है प्रॉपर्टीज के बेस पे, जैसे डिपेंडिंग ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी क्लासिफाई कर चुके हैं, जैसे रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट,
एक्स रेज, गामा रेज, उसके ऊपर जाए कॉस्मिक रेज वगैरह होता है, तो इस तरह से भी आप क्लासिफाई वेवलेंथ के बेस पे भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन के बेस पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, इसमें पहला कैटेगरी है TEM, एग्जाम्पल में जो हम लोग को बेसिकली देखना है वो उनमें से पहला है TEM। TEM स्टैंड्स फॉर पूरा बोले TEM वेव बोलेंगे इसको, इट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ई और एच, पहला पॉइंट, बोथ ई एंड एच आर एट राइट एंगल्स to direction of propagation। ये तो basic criteria था जो सब जगह होता है। दूसरा criteria है कि at any instant of time both vectors have the same magnitude and direction at all the points। In the transverse, plane की spelling क्या होगी? Transverse plane containing the direction, इतना समझ में नहीं आता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं लास्ट में क्या लगे कंटेनिंग डैम। हाँ, कंटेनिंग डैम जो ई और एच को कंटेन करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सर। इसको डायग्राम के फॉर्मेट में ज्यादा आसानी से दिखाया जा सकता है। जो एक्चुअल में वेव हम लोग बनाते हैं वो ट्रांसवर्स वेव ही है, उसमें सारी डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं दिखाई जाती, लेकिन इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोपोगेशन का डायरेक्शन हम लोग मान रहे हैं जेड एक्सिस की तरफ, इधर हमने लिया एक्स एक्सिस और इससे परपेंडिकुलर बाहर आता हुआ वाई एक्सिस। ठीक, प्रोपोगेशन या वेलोसिटी किधर की तरफ है? इधर की तरफ। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, स्पेस में, तो मैग्नेटिक फील्ड इससे परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड को डॉटेड से बना देते हैं।
डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, या स्पेसिफिकली किसी एक को अगर बनाना हो एक वेव को, तो आप उसको इस तरह बना सकते हैं. This is your z direction. This is your x direction. Okay. Y आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं. ज़्यादा अच्छा रहेगा अंदर से बाहर आता हुआ दिखा दीजिए, क्योंकि एक तो आप दिखा लेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है इस तरह से, ऐसे वही डायग्राम वाली प्रॉब्लम. ऐसे नॉर्मली डायग्राम बन जाता है मुझसे. ये जूम पे लाइव पता नहीं क्यों पेन सही से नहीं चलता मेरा. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वेरिएशन एक्स डायरेक्शन की तरफ है. अब ये वाई को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, मैच कर गया इससे. वाई ऐसा कुछ है, वाई एक्सिस. तो एच कैसा होगा इधर की तरफ, बनता नहीं बना लीजिए. ये एच आपको दिख रहा है, ई और एच परपेंडिकुलर हैं. जी सर, डायग्राम बना के बताइए. सर एच वो वाई जेड प्लेन में है ना? जी एक मिनट होल्ड करिएगा. ना बन गया, आगे चले. इसका मीनिंग समझ लें पहले. हेलो सर. जी अरे सर, इसमें ई जो तो आपका ये एक्स एक्स जेड प्लेन में नहीं है क्या? एच जो आपका ये वाई जेड प्लेन में होना चाहिए. जब जेड के परपेंडिकुलर होगा तो एक्स जेड प्लेन में ही तो रहेगा ना वो. हाँ सर, हाँ ई का बात कर रहा है सर ना. जी एक्स जेड प्लेन ये है,
वाई जेड प्लेन ये है हॉरिजॉन्टल। जी 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 ठीक है सर ठीक है नाउ ठीक है सर। ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दो तीन प्रॉपर्टी थी वो दोनों देख लीजिए। पहला पॉइंट तो ये था कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं इसीलिए इसको ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। दूसरा कि इट हैज सेम मैग्नीट्यूड इंटरेक्शन एट ऑल द पॉइंट्स इन द ट्रांसवर्स प्लेन कंटेनिंग देम। जैसे सेम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। मतलब ये पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट पी है ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड मान लीजिए 10 वोल्ट पर सेंट पर मीटर है ठीक। बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन मान लेते 10 वोल्ट पर मीटर है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 10 वोल्ट पर मीटर ही रहेगा। समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन हो रहा है लेकिन इस पॉइंट का किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। मीनिंग समझ पा रहे हैं उसका? नहीं समझ सर। स्टैंडिंग वेव समझते हैं? स्टैंडिंग वेव ये थोड़ा थोड़ा स्टैंडिंग वेव जैसा ही है मतलब उसमें तो दो एक और फीचर हो जाता है लेकिन ये लगभग स्टैंडिंग वेव है। कैसे समझाऊं मैं? देखिए सर पॉइंट पी में सेम नेक्स्ट साइकिल भी सर वही पॉइंट में वो तो सेम रहेगा जी। रिपीट करिए प्लीज। सर पॉइंट पी में जो मतलब वैल्यू जो सेम रहेगा तो क्या नेक्स्ट साइकिल में भी सर वही पॉइंट में सेम होगा? कैसे बोल रहे हैं सर? हाँ जब भी प्रोड्यूस होगा उस पॉइंट पे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। हाँ तो फिर सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मतलब ना हर पॉइंट में हमेशा फिक्स रहे ना सर? हाँ उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट में फिक्स ठीक। अगर इस तरह का वेव है तो इसको हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। नहीं तो सच वेव या सच ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन लॉसलेस मीडियम। ठीक अगर लॉस वाला मीडियम होगा तो वहां पे करंट भी मिलेगी आपको और करंट से नई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगती है। ठीक तो ये फिक्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आपको केवल लॉसलेस मीडियम में ही मिलता है। ठीक या फिर आपके पास पॉइंट्स ही ना हो That is, TEM can be produced only in पहला free space, दूसरा transmission lines, यहाँ पे medium ही बहुत इतना छोटा होता है कि करंट सर्कुलेट कर ही नहीं सकते। ठीक अब मीडियम लाइंस भी सफिशियंटली लार्ज होनी चाहिए। इसे आप नोट लिख लीजिए फॉर स्मॉल लाइंस छोटी लाइंस या छोटा बहुत तार वार लेके अगर कोई सर्किट बनाते हैं इट फॉलो वाले सर्किट या छोटे लाइनें अगर हैं इट फॉलो
ओम्स लॉ, बट लॉन्ग लाइंस ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स फॉलो मैक्सवेल्स इक्वेशन. यहां से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है सर्किट और वेव्स के प्रोपोगेशन का, करंट और वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के प्रोपोगेशन का, या फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है सर्किट थ्योरी और फील्ड थ्योरी का. देखिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है, कैसे इसको समझाना भी हेडेक वाला बात होता है. देखिए सिलेबस खत्म किया जा सकता है दिखा दिखा के या करा करके, लेकिन एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना ये देना सच में मुश्किल है, इसलिए ज्यादातर लोग इसको स्किप ही करना चाहते हैं. मैं भी स्किप करना चाहता था लेकिन फंस गया. सर मीडियम लाइन, मीडियम लाइन के लिए क्या फॉलो होगा? मीडियम लाइन ओम्स लॉ, जहां भी कंसंट्रेटेड पैरामीटर्स हैं लम्प्ड हैं वो सब ओम्स लॉ. इसलिए लॉन्ग लाइन में हमने कैलकुलेशन नहीं किया था, वेव्स में करते हैं उसका कैलकुलेशन. देखिए मैं मेरा हाथ ये सब कुछ एक मीडियम में है ना, एयर में है, हम लोग सब लोग एयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं एक मीडियम में. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं जी, प्रोपगेट करेंगी. मेरे दो हाथों के बीच में कैपेसिटेंस है, होना चाहिए है ना, क्यों नहीं, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, दो स्पेस, दो पॉइंट्स या दो एरिया सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक, उनके बीच में कैपेसिटेंस होगा. मेटल की प्लेट कैपेसिटेंस के लिए जरूरी नहीं है, चार्ज डाइलेक्ट्रिक में भी स्टोर होता है. तो हम कहते हैं इस मीडियम में हर तरफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, जो कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को आप एप्सिलॉन और इंडक्टेंस को म्यू से दिखाते हैं, ठीक. जितना आप एरिया लेंथ वेंथ लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो मिल जाएगा, लेकिन अगर एरिया या स्पेस को अगर उसके वॉल्यूम को इग्नोर करना हो तो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया जो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस अवेलेबल है, इट इज इंडक्टेंस इज म्यू एंड कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन, ठीक. चारों तरफ एनर्जी फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस हमने नेगलिजिबल लिया है, ठीक. उसी तरह से ट्रांसमिशन लाइन में भी है, अगर लॉसलेस लाइन लें तो रेजिस्टेंस जीरो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ रहे हैं आप? बस स्पेस में या एयर में अनगाइडेड प्रोपोगेशन होता है, हर तरफ हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, ट्रांसमिशन लाइंस में गाइडेड प्रोपोगेशन होता है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. तो ट्रांसमिशन लाइन में जो एनर्जी ट्रांसफर है उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में माना जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है और होता भी है. एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ही होती है इनसाइड द मटेरियल आल्सो. अब उसको अप्रोक्सीमेशन बना करके हम वोल्टेज करंट के फॉर्मेट में स्टडी करते हैं, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टडी करेंगे, ठीक. ये क्लियर हो गया कि ट्रांसफर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पे प्रोड्यूस होंगी, या तो फ्री स्पेस में या फिर ट्रांसमिशन लाइंस में, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है आपका.
प्रोड्यूस नहीं हो सकता कहीं। क्लियर? यस सर जी। नाउ इफ द फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन वन डायरेक्शन ओनली, सो क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड। अब हमने ये फिक्स कर दिया कि अगर प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन सॉरी जेड डायरेक्शन में है, सपोज इसको जेड ले रहे थे ना, जेड ले लीजिए, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अराउंड एक्स डायरेक्शन। X डायरेक्शन में बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अपने आप रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक, अब ये प्लेन पोलराइज्ड कहलाएगा अगर किसी एक प्लेन में ओनली वन डायरेक्शन या ओनली वन वन प्लेन भी कह सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इफ ई इज वर्टिकल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, आप अपने अकॉर्डिंग स्पेस में देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है तो आप उसको वर्टिकली पोलराइज भी कह सकते हैं या फिर ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको हॉरिजॉन्टली पोलराइज भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा सर, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तब तो सर किस साइड में होगा ये केस में, सिंगल जी वन प्लेन का केस? एच नहीं समझा मैं, डायरेक्शन किस सर, एच का डायरेक्शन सर किस तरफ होगा सर इसमें? परपेंडिकुलर टू ई ऑन वाई एक्सिस। अच्छा अच्छा, तो ये सर ये एक ही प्लेन कंसीडर कर रहा है ना सर जी, वाई को फिर कैसे ये करें इसमें सर, एक ही प्लेन कंसीडर कर रहे तो
और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप वाई एक्सिस के अलावा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप दोनों में से किसी, वही तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही रेफरेंस मान के चलेंगे। नाउ जी जी जी, ऐसे ही कोई भी दो परपेंडिकुलर पोलराइज्ड वेव लीजिए, ठीक, जैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ले लिया मैंने। इफ टू सच परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड वेव्स आर जॉइंट टुगेदर, कंबाइंड टुगेदर, द रिजल्टेंट इज नोन एज सर्कुलर पोलराइजेशन, बोलते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड है। सर्कुलरली पोलराइज्ड कैसे शो होगा? सपोज करिए ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जेड, भी इधर की तरफ है, एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ऐसा, एक उसके परपेंडिकुलर ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर एक ऐसा, तो दो अगर परपेंडिकुलरली पोलराइज होते हैं ना, मिल जाते हैं, तो उसको सर्कुलर पोलराइजेशन कहते हैं। अब सर्कुलर पोलराइजेशन भी दो तरह का होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसको सर्कुलर पोलराइजेशन, जैसे इस तरह से बनेगा, मैं पूरा डायग्राम इसका थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, एक मिनट में गूगल से कॉपी कर लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा सा इंतजार, मैं बनाऊंगा तो अभी उतना ही टाइम लग जाएगा। तो सर के सर्कुलर में होते क्या क्या? उसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखाना मुश्किल था, सर्कुलर ही है वो। गूगल पे भी नहीं मिल रहा है, मिल गया। सर डाई इलेक्ट्रिक इन टाइम बेरिंग फील्ड आपने कराया था क्या ईएमटी में? नहीं
सर वो डाइलेक्ट्रिक इन टाइम बेरिंग फील ओ ये अल्टरनेटिंग फील बोलकर सिलेबस में दिए ये ठीक है समझा नहीं मैंने डाइलेक्ट्रिक मैं टॉपिक नहीं समझा मैं क्या बोल रहे आप डाइलेक्ट्रिक टॉपिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर है ओके बिल्डिंग इसमें बिहेवियर ऑफ ये स्टैटिक और डाइलेक्ट्रिक इन स्टैटिक एंड अल्टरनेटिंग फील्ड्स इसका क्या क्या है ना सर कर चुके हैं ईएमटी में वही तो मैक्सवेल इक्वेशंस थे सारे अलग अलग कंडीशन पे दिस इज लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन है ठीक जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर की तरफ है फिर अब इसको डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिखाई दे रहा है ना आपको ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है आप इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड जैसे कर्वेचर होता है ना उस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक और यहाँ पे राइट हैंड के अकॉर्डिंग हो रहा है तो सर्कुलर पोलराइजेशन भी दो तरह का हो सकता है लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइजेशन इसी फॉर्मेट में हम लोग माइक्रोवेव्स को भी प्रोड्यूस करेंगे सर जी यहाँ पे एकदम सर्कुलर में एक्स एक्सिस पूरा हो रहा है ना मतलब पहले आपने बोला था ना कि पहले एक्स एक्सिस पे होगा उसके बाद उसके परपेंडिकुलर पे होगा सर्कुलर पे दिखाने का तरीका था वो ये होता हर पॉसिबल डायरेक्शन में है अलग अलग टाइम पे जैसे मैं कैसे बताऊं ये थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल होता है ये जो फील्ड है ना ये कांस्टेंट तो है नहीं टाइम वेरिंग है ई और एच की वैल्यूज भी अलग 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 पोजीशन पे एक बार इंटरेक्शन का रिजल्टेंट कहीं यहाँ मिलेगा फिर कहीं दोनों के दूसरे के बीच में मिलेगा फिर तीसरे के बीच में मिलेगा ऐसे ऐसे वैल्यू चेंज होती जाएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्टेंट कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज होता जाएगा तभी तो इसको सर्कुलर पोलराइजेशन कह रहे हैं जैसे ई चेंज होते जाएगा वैसे एच भी परपेंडिकुलर तो ई होते जाएगा हाँ ई और एच दोनों की वैल्यू चेंज होगी ना लिसेजुअस पैटर्न याद है उसमें इस रिजल्टेंट निकाल के दिखाया है दो अल्टरनेटिंग सिग्नल सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पे दो अल्टरनेटिंग सिग्नल 90 डिग्री फेज डिफरेंस जब इंटरेक्ट करते हैं तो कैसा वेव फॉर्म प्रोड्यूस होता है सीआरओ में देखा था आपने इसको सर्किल बनता है सर्कुलर सेम वही कंसेप्ट है दोनों अल्टरनेटिंग सिग्नल है 90 डिग्री फेज डिफरेंस पे जब इंटरेक्ट करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में सर्कुलर वेव फॉर्म मिलेगा आपको मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जाएगी या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड ये आपको सर्कुलर पोलराइजेशन मिलता है इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं सपोज ये सोर्स है रेडिएशन का ठीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर से रेडिएट होगी जैसे टॉर्च में होता है टॉर्च भी वही करता है बस वो लाइट विजिबल लाइट को रेडिएट करता है ठीक If total radiated power
इज इक्वल टू पी टी. अगर टोटल रेडिएटेड पावर पी टी है एंड एरिया ऑफ सेक्शन जहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ए है. अगर सर्किल होगा, यूजुअली सर्किल ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो आपको वेव फ्रंट मिलता है. देयरफॉर पावर डेंसिटी इट कैन बी सीन एज पी डी इक्वल टू पी टी अपॉन ए. PD is PT upon 4 pi r square. अब देखिए टोटल रेडिएटेड पावर हमेशा कांस्टेंट रहेगा. बस जैसे जैसे आप प्रोपोगेशन में आगे बढ़ते जाएंगे एरिया बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता जाएगा तो प्रोपोगेशन या पावर डेंसिटी कम होती चली जाएगी. अब ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है अगर इसका आप रिलेशन निकालेंगे तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, उसकी वैल्यू भी पाई आर स्क्वायर होती है ना. तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं. देयरफॉर सर एरिया में सर वो सर स्क्वायर जी वो एरिया में स्क्वायर कब लिया जाए किसका एरिया जो हाँ पाई आर स्क्वायर लिया सॉरी फोर पाई आर स्क्वायर डायग्राम इसका बनाया ना. इस स्फीयर का सरफेस एरिया सोर्स आप ऐसा ले लीजिए. अगर ये सोर्स है तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में एमिट करेगा. वेव फ्रंट आपको स्फेरिकल मिलेगा. अगर हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है तो ये फॉर्मूला डायरेक्शन हमने गलत बनाया था. स्फेरिकल होता है वेव. ऑल्सो कंक्लूड कर सकते हैं एज दी पावर स्प्रेड्स आउट जितना दूर जाएंगे रेडियस भी सेम डिस्टेंस को ही रेडियस ले लेंगे आप स्प्रेड्स आउट द स्फेरिकल वेव फ्रंट कंटिन्यू to expand and therefore power density decreases. Power density decrease करता है. That is, आप लिख सकते हैं PD is proportional to 1 by R square. R क्या है? कितने डिस्टेंस तक स्प्रेड हुआ है ऑटोमेटिक वेव. इट इज ऑल्सो नोन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इसको मैक्सवेल इक्वेशन के फॉर्म में स्टडी करेंगे. उसके बाद हम बाकी तरह के वेव्स भी देखेंगे कौन कौन से टाइप के वेव और हो सकते हैं. अच्छा एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन याद है किसी को? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा था आप देख लीजिएगा. मैं इसको डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ फिर से आप उसमें वहां पे कर चुके हैं इसलिए ना.
we also know that energy density in medium is given by both electric field magnetic field dono ko is nikal rahe hain. It is equal to w se dikhaya isko 1 by 2 epsilon naught e square plus mu naught h square joule per meter cube. आप चाहें तो डी और बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अंडर नो लॉस कंडीशन देखिए, अब इसमें से ना केवल एक ही एग्जिस्ट कर सकता है. टोटल का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, लेकिन अगर नो लॉस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो आप ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होता है. ठीक, अगर कोई लॉस नहीं है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसा बोल सकते हैं? अगर कोई भी लॉस नहीं है देन देयरफॉर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 म्यू नॉट इनटू एच स्क्वायर. अब इसका रेशियो निकालें, E और H कैसे लोगे 1/2 1/2 हम देख सकते हैं. देयरफॉर या इन लॉसलेस मीडियम E एंड H ऑलवेज oscillate in phase and their ratio is always constant. Okay, E upon H का वैल्यू क्या आएगा? E upon H epsilon naught नीचे भेजती mu naught ऊपर, it will be under root mu naught upon epsilon naught. वैल्यू पुट करें, mu naught की वैल्यू इज 4π × 10⁻⁷. epsilon naught का वैल्यू 8.854 1 मिनट. (8.854 × 10⁻¹). वैल्यू बताइए जरा इसकी, एक बार खुद से निकालिए तो. इसका सर वो 376.734. ये लगभग लगभग आता है 125 और इसकी लगभग लगभग वैल्यू होती है 377. यूनिट क्या होगी इसकी? E upon H यूनिट निकालिए जरा, क्या आ रहा है इसका?
ओम पर मीटर ओम होगा, ओम होगा। ई का वैल्यू वोल्ट पर मीटर, एच का एम्पियर पर मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, वोल्ट पर एम्पियर इज ओम, इट इज 377 ओम। आप देख सकते हैं कि द वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू यू कैन सी दैट the constant value E upon H has characteristic of impedance, ohm impedance की unit होती है ना, ये क्या लिखा आपने, what is Ken Mang? सॉरी सर। ओके, इसका उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है, इंपीडेंस, इंपीडेंस की जैसा है। एंड इसको बोलते क्या है, एंड इस टर्म्ड एज intrinsic impedance of free space. आ गया, intrinsic impedance of free space in but h is plus input. That is intrinsic impedance of free spaces 377 ohm for lossless medium, loss-free medium. ठीक है, इसको थोड़ा सा और धीरे-धीरे मुझे समझाना पड़ेगा, कल की क्लास में देखेंगे, सके आज नहीं हो पाएगा, मैं शुरू करूंगा तो आधे में फंस जाऊंगा। सर कल नहीं करने से भी होगा ना, हम लोग कल, आप लोग कर लीजिए, आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, आना चाहिए आपको, ये आप एग्जाम में आए से बहुत फर्क पड़ेगा आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो। सर जी कल नहीं करने से ठीक था सर, वो ये का फिजिकल है, एसआई का, किस चीज का, एसआई, एसआई का फॉर्म भरा आप लोगों ने जी, क्यों, बहुत ज्यादा वेरिएशन, कितने लोगों का है, अच्छा जितने लोगों का एसआई का है ना फिजिकल या जो भी है, एक बार जरा ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा। सर इलेक्ट्रिकल वालों का नहीं है शायद, हम लोग का नहीं है सर, एसआई में भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है क्या, उस पे इलेक्ट्रॉनिक्स सीट को ही दिया है, अच्छा, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का था, हाँ वो टेलीकम्युनिकेशन वाला। ठीक है तो कल माइक्रोवेव, माइक्रोवेव रहने देते हैं, बाकी सारा सब्जेक्ट चलेगा आज, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास माइक्रोवेव ही कर लीजिएगा, आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में और ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में, शायद वो आपके एग्जाम में ना आए लेकिन आपको आता है तो बाकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग करने से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का बात सब्जेक्टिव के लिए कर लीजिए, अभी क्या करना है सर, सर करा ही दीजिए जरा, कर ही रहे कंटिन्यू कर, कल माइक्रोवेव नहीं रहेगा, बाकी सारी क्लासेस चलेंगी, तो बाकी क्लासेस लंबी कर लेंगे फिर हम लोग, सर मशीन को सर एक्स्ट्रा कर, मशीन को और एनालॉग को दोनों को एक्स्ट्रा कर लेंगे, मशीन एनालॉग दोनों दो या ढाई घंटा कर लेंगे उसको, और फिर उसके बाद कल परसों करेंगे उसको। ठीक है सर, थैंक यू सर, ठीक है सर, ओके।